तो ये वीडियो मेरे लिए एक सजेस्टिंग वीडियो होने वाली है, जहां पे हम आपको बताएंगे कि बायोनिक आई का यूज जो है कौन कौन से लोग कर सकते हैं, यानी कि कितने एज ग्रुप के लोग बायोनिक आई का यूज कर सकते हैं और कौन से लोग बायोनिक आई का यूज नहीं कर सकते हैं, और किस सिचुएशन में बायोनिक आई का यूज करना है, किस सिचुएशन में बायोनिक आई का यूज नहीं करना है। इस वीडियो में हम आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताएंगे कि बायोनिक आई क्या होता है, व्हाट इज बायोनिक आई, क्योंकि इससे पहले मैंने दो वीडियो ऑलरेडी बना चुका है बायोनिक आई के ऊपर। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाइए और वहां पे देखिए ताकि आपको पता चले कि बायोनिक आई होता क्या है। उसके बाद इस वीडियो में आइए और देखिए हमारे साथ यूज क्या है बायोनिक आई का। और जो लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, जिन्हें पता है कि बायोनिक आई क्या होता है, वो बने रहिए हमारे साथ। और चलिए हम जानते हैं इस वीडियो में कि बायोनिक आई का यूज कौन कौन से लोग कर सकते हैं, कौन कौन से नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं आलोक रंजन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल हाई नॉलेज में। आज हम आपको यहां पे बताने आए हैं कि बायोनिक आई का यूज क्या है, यानी कि किस एज ग्रुप के लोग जो है बायोनिक आई का यूज कर सकते हैं, किस एज ग्रुप के लोग बायोनिक आई का यूज नहीं कर सकते हैं, और कब हमें बायोनिक आई यूज करना है, कब इस आई का यूज नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि बायोनिक आई का यूज बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ 18 साल से ऊपर के लोग कर सकते हैं या फिर सिर्फ 18 साल से नीचे के लोग कर सकते हैं। बायोनिक आई का यूज सभी कर सकते हैं, इसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आप समझिए। अब समझते हैं कि बायोनिक आई का यूज किस सिचुएशन में करना है। देखिए, बायोनिक आई का यूज तब करना है जब आपके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि देखिए आर्टिफिशियल चीज कितना भी अच्छा हो, नेचुरल से खराब ही होता है, ठीक है। अब देखिए यूज कब करना है, मान लीजिए, और कब नहीं करना है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए हमारा ये आय है, ठीक है, हम नॉर्मल है, मुझे सब कुछ दिखाई देता है। अब मान लीजिए मेरे आय में जो है, ये मेरा कॉर्निया है ब्लैक वाला, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और मुझे अब दिखाई कम देता है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। अब यस, डॉक्टर के पास जाऊंगा, डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई ये जो आपका आई है, इसमें कॉर्निया में प्रॉब्लम है और इसको यदि छोटा सा ऑपरेशन किया जाए तो ऑपरेशन के माध्यम से ये ठीक हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमें ऑपरेशन करवाना है और हमारा आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जरूरत नहीं है बायोनिक आई यूज करने का, ठीक है, क्योंकि कम पैसे में काम हो रहा है, नेचुरल चीज ठीक हो रहा है, तो वहां पे बायोनिक का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब एक सिचुएशन आता है जहां पे किसी को प्रॉब्लम होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलता है कि आपका जो कॉर्निया है वो बिल्कुल तरीके से खराब हो गया है, इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। तो आपको कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवा लेना है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसप्लांट इंडिया में पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है? कॉर्निया ट्रांसप्लांट। ध्यान से सुनिए, बाद में कमेंट करके ये मत पूछिएगा जैसे आप लोगों ने बहुत सारा बेवकूफी वाला क्वेश्चन किया है कि बायोनिक आई क्या होता है। भाई आपने वीडियो देखा तो फिर क्यों पूछ रहे हो क्या होता है, ठीक है। तो बायोनिक आई जो है उस सिचुएशन में आपको नहीं यूज करना है जहां पे नेचुरल आई से काम चल जाए, ठीक है। अब बायोनिक आई का यूज कब करना है, मान लीजिए आपको कोई इन्फेक्शन होती है, ठीक है, और उस इन्फेक्शन के कारण आपका जो ये आई है, मतलब नेचुरल आंख है, पूरा आई बॉल जो है ये व्हाइट वाले से लेकर के ब्लैक वाले तक, ये मतलब पूरा जो है पिघल जाता है, उसका खत्म हो जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा ये होल है और आपका ये दो ऊपर का है और ये आंख जो है बिल्कुल ही खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है उस जगह पे, तो वहां पे आपको यूज करना है किसी का, बायोनिक आई का। बायोनिक आई उपलब्ध है, इंडिया में भले ही ना हो, दूसरे देश में है ना, आपके पास यदि पैसा है तो आप वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल यूज करने के लायक है, यूज हुआ है बहुत लोगों ने किया है भाई साहब, तो आप जाइए वहां से खरीदिए और लगाइए। तो बायोनिक आई क्या होता है, बायोनिक आई जितना बड़ा आपका ये आई बॉल है उतना ही बड़ा बायोनिक आई भी होता है। आप दोनों तरफ देखिए, इस तरफ जो है नेचुरल आई दिख रहा होगा आपको और इस तरफ जो है बायोनिक आई दिख रहा होगा, बिल्कुल दोनों सेम है, बस वो आर्टिफिशियल है और ये नेचुरल है। बिल्कुल जितना बड़ा आपका आई बॉल है उतना ही बड़ा आई बॉल होता है बायोनिक आई का भी। यदि आपका बायोनिक आई नेचुरल आई जो है मतलब पिघल जाता है, कोई इन्फेक्शन के कारण बिल्कुल ही खराब हो जाता है, ट्रांसप्लांट करना जरूरी है, तो वहां पे आपको बायोनिक आई का यूज करना है, ठीक है। अब एक सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई अंधा होता है, तो अंधा है उसका कोई मतलब इलाज ही नहीं है, बस उसका जो है पूरा आई बॉल ही चेंज करना पड़ेगा, तो उस सिचुएशन में भी आपको बायोनिक आई का यूज करना है, बिल्कुल करना है बायोनिक आई का यूज। भाई जब आपके पास पैसा है तो आप क्यों नहीं यूज करेंगे जब सामान पड़ा हुआ है बाजार में, ठीक है। और अभी तक मैं आपको बता दूं कि बायोनिक आई जो है इंडिया में यूज करने लायक नहीं बना है, आपको ऑस्ट्रेलिया से ही मंगवाने पड़ेंगे, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में जब बनेगा मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा, अभी तक इसके बारे में और कोई चर्चा नहीं हुई है, इंडिया अभी फोकस कर रहा है
हाइपरलूप के। हाइपरलूप क्या होता है अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए अभी इस वीडियो में मुझे नहीं लगता है कोई कंफ्यूजन रहा होगा। फिर भी यदि कुछ कंफ्यूजन रहता है तो आप जरूर मेंशन कीजिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, जरूर करूंगा। और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको यदि यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इतनी आसानी से वीडियो नहीं बनती है जितनी आसानी से आपको दिख जाता है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर जितना हो सके उतना कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच पाए, सभी लोग जान पाए और कोई भी अंधा ना रहे इंडिया में। तो ये कोशिश करना है हमें और हर एक जगह तक इस वीडियो को पहुंचाइए। नॉलेज की कमी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप यदि आप देखना चाहते हैं इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो। तो तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद हाइपरलूप। याद रखिएगा।